हमारा संकल्प है गरीब के आंसू पोंछना और जनता की सेवा करना। प्रभारी मंत्री पांव पांव वाले भैया हवा हवाई वाले भैया हो गए। प्रभारी मंत्री ने कसा पूर्व मुख्यमंत्री पर तनज। मंगलवार को जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील नसरुल्लागंज पहुंचे और यहां पर आयोजित जन अधिकार कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने आम जनता की समस्याओं को सुना और कहा कि जब मैं यहां पर प्रभारी मंत्री बनकर आया तो सोचा था कि पूर्व मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कोई समस्या नहीं होगी, परंतु यहां पर आने पर पता लगा कि यहां आवेदनों का अंबार है और समस्याएं भरी पड़ी हुई है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए जिला प्रभारी मंत्री श्री अकील ने कहा कि जो पहले पांव पांव वाले भैया थे अब हवा हवाई वाले भैया हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र को देखो जहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आखिर इन 15 सालों में उन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है गरीब के आंसू पोंछना और जनता की सेवा करना है। घोषणा पत्र में जो बातें कही गई है उन्हें संकल्प के साथ पूरा किया जाएगा। पूर्व की प्रदेश सरकार के द्वारा खजाना खाली दिया गया है, लेकिन हम अपने संकल्प पर अडिग है तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हर वादे को पूरा करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण होगा। किसानों की कर्ज माफी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरी तरह निभाया जाएगा और बचे हुए जो भी किसान है उनका भी कर्ज माफ होगा। कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर पंचायत के भ्रष्टाचार पर की गई शिकायत पर उन्होंने कहा कि कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए हैं और वह भ्रष्टाचार की पूरी जांच करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने सरकार के पैसे में भ्रष्टाचार किया है उनका पूरा पैसा जेब से निकाला जाएगा। संवाददाता नसरुल्लागंज पवन माहेश्वरी। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, डोगी मामा ने खूब ढंग से लाया कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, और हमने उनको पूरी चीज दे दी। अरे हम फिर कह रहे हैं कि जो बचे हुए उनका फिर कर्जा माफ करेंगे तो वो ढंग तो उससे कोई हमारे पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे इस तरीके से, क्योंकि हमारा लक्ष्य जनता की सेवा करना है। हर गरीब की आंखों का आंसू पोंछना और गरीब की मदद करना हमारा लक्ष्य है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अब आप देखो कि जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री 15 साल रहा हो और उस क्षेत्र की जगह देख लो इससे आवेदन का अंबार लग गया। मुझे भोपाल में बार बार टेलीफोन में आते हैं, जिला नसरुल्लागंज में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ नगर पालिका में। मैंने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है तो उसकी एक एक घंटों की जाँच कराओ। मेरे कमिश्नर भोपाल संभाग से भी कहा है जाँच कराओ, तो अगर आप जाँच में देरी हुई तो भोपाल से टीम लेट की जाँच कराऊंगा, उसके बाद उन्होंने घेराव कार्रवाई करूंगा। जिन्होंने सरकार के पैसों को अपना पैसा समझ लिया है हम उनकी जेब में जब पैसे निकालेंगे तो बैंक में आऊंगे तो हम बैंक के लिए पैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने गरीबों की सेवा करने का लक्ष्य लिया है। हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। हमने कहा कि विधवाओं की पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 होगी, अभी हमने 600 रुपये की है, क्योंकि 5 साल में 1000 करने के बाद संभाग आया था। इन्होंने हमें पूरा खजाना माफ खाली दिया, उसके बाद भी हमने 600 किया। किसानों के कर्जा माफ जिससे होना थे वो हमने आए थे, ये सोच के आए थे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का धीरे धीरे उनकी विधानसभा है, यहाँ तो कोई समस्या होगी नहीं, ना यहाँ लाइट की समस्या होगी, ना स्कूल की समस्या होगी, ना मंडी की समस्या होगी, ना ग्राउंड की समस्या होगी, ना विधवा पेंशन की समस्या होगी, सब हो चुका होगा। लेकिन आने के बाद हाथी के दांत दिखाने को खाने को जो होते हैं वो निकला और यहाँ के लोग विकास के लिए तरफ आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक हम गैर प्रभारी मंत्री हों हमारे साथ कलेक्टर साहब और एस साहब दोनों भाइयों के रूप में मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम किसी के साथ ना इंसाफ में नहीं बनने के, चाहे कुछ हो जाए उसको, जब तक हम जीवन जिले में हैं किसी एक के साथ जाते नहीं बनने में सबकी मदद करेंगे। हमारी आपकी सरकार आपके द्वार इसलिए आई है कि आपको आज तो आपने अपनी समस्याओं का आवेदन दिया, तो इसके अलावा कोई आप सुझाव भी देना चाहते हो कि आपकी सरकार ये काम गलत कर रही है, काम को ठीक करो तो हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि हमारे मार्गदर्शक तो आप सब लोग जो